हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ESP.NET MVC की वीडियो नंबर 13 में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट एक्शन मेथड जो कि रिटर्न करे व्यू रिजल्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हमें बनाना है एक एक्शन मेथड जो कि रिटर्न करे व्यू रिजल्ट को। उसको बनाने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक नया प्रोजेक्ट ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ESP.NET वेब एप्लीकेशन ये आपको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम दिया मैंने MVC एक्शन रिजल्ट। और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे पाथ, तो हमारे पास डी ड्राइव में एक MVC एग्जाम्पल नाम से एक फोल्डर है, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एम्प्टी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम MVCs पर टिक करेंगे और यहाँ पर इसको हम कॉन्फिगर फॉर HTTP को अनचेक कर देंगे। एंड नाउ अब हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब आप देख पा रहे हैं हमारा MVC एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम व्यू फोल्डर में चलें तो व्यू फोल्डर में कुछ भी नहीं है, और अगर हम अपने कंट्रोलर फोल्डर में आए तो ये भी पूरी तरीके से एम्प्टी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम एक होम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपको फोल्डर, जो कंट्रोलर फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करना है, ऐड पे आएंगे और जो सबसे टॉप पे ऑप्शन दिख रहा है ना, हम ये सेलेक्ट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, स्कैफोल्डिंग के थ्रू आप कंट्रोलर ऐड करना। तो जैसे आप ये उस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा, इसमें से आपको क्या करना है, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी सेलेक्ट करना है, ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप होके आएगा, यहाँ पर आपको कंट्रोलर का नाम देना है। तो मैंने इसका नाम रखा होम, और इसमें जो कंट्रोलर आप देख रहे हो लास्ट में वो क्या है, वो कॉन्कैटेनेट रहेगा ही रहेगा, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो भी हाईलाइटेड वर्ड होंगे बस उतनी को डिलीट करो और उसके जगह पे अपना मनचाहा कंट्रोलर का नाम आप मेंशन कर दो। तो मैंने लिखा होम, तो जैसे ही मैंने होम लिखा ना, अब ये होम कंट्रोलर आपके कंट्रोलर फोल्डर में ऐड हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर ऐड होगा और साथ ही साथ एक फोल्डर होम नाम से एक फोल्डर आपके व्यू फोल्डर के अंदर बनेगा, याद रखना, ताकि जितना भी होम कंट्रोलर से रिलेटेड व्यू होगा वो इस होम वाले फोल्डर में होगा। तो यहाँ पर देखो, अब देख पा रहे हो कंट्रोलर, हमारा कंट्रोलर का नाम क्या है, होम कंट्रोलर, जो कि कंट्रोल फोल्डर के अंदर हो चुका है। और यहाँ पर एक फोल्डर भी ऐड हो चुका है व्यू के अंदर। तो अगर हम अपने कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको एक क्या दिख रहा है, एक एक्शन मेथड दिख रहा है जिसका नाम क्या है, इंडेक्स। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, व्यू को रिटर्न कर रहा है। अब चलते हैं आगे हमें क्या करना है। देखो, जब आपका फोल्डर वगैरह, ये कंट्रोलर वगैरह क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट द क्लास कंटेन अ मेथड विल मेथड विद द नेम ऑफ इंडेक्स। तो इंडेक्स के नाम से एक मेथड है अपने पास, हाँ भाई यहाँ पर है ना, ये इंडेक्स मेथड। आप इसको चेंज कर सकते हो एज अ व्यू रिजल्ट, जो कि मैंडेटरी तो नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। नाउ अभी क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐड करना है दो नए मेथड इसमें ऐड करने हैं होम कंट्रोलर क्लास में, ठीक है। अब ये दोनों नए मेथड क्या है, देखो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, इन दोनों को कॉपी कर लिया। हमारे पास दो नए मेथड हमने यहाँ पे ये बनाए, पहले का नाम क्या है, पहले का नाम क्या है, व्यू रिजल्ट रजिस्टर, दूसरे का नाम क्या है, व्यू रिजल्ट लॉगिन। तो हम क्या बनाने वाले, एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे और एक लॉगिन पेज बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, ये हमने बना लिया, ठीक है, ये हमारे कंट्रोलर के अंदर है। अब हमारा अगला काम है कि अब हम ऐड करेंगे व्यू फॉर एक्शन मेथड। अब एक्शन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, व्यू ऐड करेंगे। तो हमें व्यू कैसे ऐड करना है, तो व्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने जो होम कंट्रोलर है आपके व्यू फोल्डर के अंदर, उस पर राइट क्लिक करना है और आपको एक व्यू ऐड करना है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करो, ऐड पे आ जाओ। जैसे आप ऐड पे आओगे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा व्यू का, ओके। आप व्यू पे क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर आप MVC5 व्यू को सेलेक्ट करना, सिंपली ऐड पे क्लिक करना। अब यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, व्यू का नाम आपको देना है। तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम हम देंगे इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम हमने क्या कर दिया, इसका नाम हमने दे दिया इंडेक्स, राइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम क्या कर दें, इसे अनचेक कर देंगे, ओके, ठीक है। टेम्पलेट हमारे यहाँ पे इम्पटी रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो इस होम फोल्डर के अंदर हमारा व्यू आ जाएगा। यहाँ पे देखो इंडेक्स व्यू आ गया, राइट, ये बना हमारा इंडेक्स व्यू। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, तो गाइस यहाँ पर हमारे पास कुछ HTML के कोड हैं, और जिसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। ये मैंने इसको किया कॉपी, और इसको मैं क्या करूँगा, अपने इस इंडेक्स में आके यहाँ पे हम आके इसको हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। ये देखो सिंपल, हमने पहले तो एक हेडर बना लिया और उसके अंदर हमने कुछ मेनू बना लिए।
तो गाइज आप देख पा रहे हो ये जो कोड मैंने लिखा है इसको जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि होम कंट्रोलर हमारा डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है और जो इंडेक्स मेथड होता है वो हमारा डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड होता है। तो यहाँ पर सिंपली आपके सामने इस तरीके का एक आउटपुट आपको जनरेट होकर दिख जाएगा। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, तो हमें अभी रजिस्ट्रेशन और लॉगिन ही बनाना है, दो पेज बनाने हैं तो वो हम चेक करते हैं। तो अभी देखो हमने ये तो बना लिया, इंडेक्स हमारा रेडी है। अब अगला जो टास्क है हमारा, अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें एक और व्यू ऐड करना है जिसका नाम होगा रजिस्टर। तो हम ये ऐड कर लेते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सिंपली हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आएंगे, यहाँ पे होम कंट्रोलर पे राइट क्लिक करना, ऐड पे आना और ऐड पे आके व्यू आपको ऐड करना पड़ेगा। एक मिनट, पहले इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देना तब आप ऐड कर पाओगे। ओके, तो सिंपली अब हम होम पे आ जाते हैं। अब हमें ऐड करना है एक नया व्यू और इस व्यू का नाम क्या होगा, सिंपल आप इसको सेलेक्ट करो, MVC5 ऐड पे क्लिक करो और यहाँ पे इसका नाम दोगे रजिस्टर। उसके बाद आपको यहाँ पर सब कुछ अनचेक कर देना है और यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये देखो रजिस्टर व्यू यहाँ पर आ चुका है। अब इसके अंदर हमें एक डिज़ाइन करनी है, तो डिज़ाइन के लिए हमारे पास ऑलरेडी HTML का कोड यहाँ पर अवेलेबल है। सिंपल हम एक रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे हैं, एक फॉर्म जैसा कुछ इसमें यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं और ये हमने इसको कॉपी कर लिया और वापस आएंगे इस DIV में। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इस व्यू को हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें हमने ऐड कर दिया। अगर इसका डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊं तो आपको कुछ इस तरह मिलेगा, ब्राउजर लिंक नीड टू बी इनेबल, ओके, आपको इसको डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है और ये आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट दिखाएगा। तो ये आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन पेज जो आपको ऐसा दिख जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें, तो अब हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक और हमें व्यू क्रिएट करना है जो कि होगा लॉगिन के लिए। सो नाउ ऐड अनदर व्यू सेम एज द एबव विद द नेम ऑफ लॉगिन एंड राइट द फॉलोइंग HTML कोड। तो भाई फिर से अब हम क्या करेंगे, एक हमें नया व्यू क्रिएट करना है, तो फिर से होम पे आ जाओ, राइट क्लिक करो और सिंपली ऐड पे आओ, ऐड के बाद व्यू पे आ जाओ और जब आप व्यू क्रिएट करने वाले हो तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐड पे आ जाना है और फिर यहाँ पर आपको अपने व्यू का नाम देना है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने हैं और जैसे जैसे जिस स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। हमें व्यू क्रिएट करना है सिंपल, और हम क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हमारा व्यू यहाँ पर ऐड हो चुका है, देखो ये लॉगिन व्यू। अब इसके अंदर जो भी हमारे लॉगिन पेज का जो कोड है HTML, जो भी लॉगिन पेज में क्या होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा यूजर नेम के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स होगा आपका पासवर्ड के लिए और एक या दो बटन होंगे, तो बस वही तरीका आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने कॉपी कर लिया HTML का कोड और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। तो सिंपल सा है, आप देख पाते हो मैंने टेबल बना लिया है, ऊपर मैंने हेडिंग बना लिया है एक, ठीक है, बस इसमें टेक्स्ट बॉक्स है और इसमें दो बटन है अपने, बस यही सारी चीज़ें हैं। तो इसका भी डिज़ाइन आपको दिख जाएगा। तो ये रहा आपके लॉगिन पेज का डिज़ाइन, राइट। अब अगला स्टेप हमें क्या परफॉर्म करना है, तो ये तो हम बना रहे हैं व्यू, अब हम क्या करेंगे, नाउ रन द प्रोजेक्ट विच विल लॉन्च इन द इंडेक्स व्यू फर्स्ट, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि हमारा जो डिफॉल्ट कंट्रोलर होता है वो होम है और उसका जो डिफॉल्ट इंडेक्स मेथड डिफॉल्ट एक्शन मेथड होगा वो क्या होगा, इंडेक्स वाला होगा, ठीक है। तो अब हम इसको लॉन्च करेंगे और बस इस वीडियो में बस इतना ही है, इस नोट्स में बस इतना ही है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ताकि उससे अगर आप कुछ मिस कर रहे हो ना तो आपको नोट्स की हेल्प से वो चीज़ें याद आ जाएंगी, ठीक है। तो ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो। बट सबसे पहले मैं इसका आपको आउटपुट चेक कराता हूँ कि कैसे आप इसको रन करोगे और क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी जब आप इसको रन करोगे। देखो सबसे पहले जब आप रन करोगे MVC प्रोजेक्ट, आप देखोगे कि आपका जो होम कंट्रोलर है वो डिफॉल्ट कंट्रोलर है, तो वो आपके सामने आ जाएगा। ओके, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो हमारा होम पेज हमारे सामने आ चुका है। अब इस होम पेज पे सपोज अगर हम लॉग इन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हो लॉग इन पेज हमारे सामने आ गया, ठीक है। अब हम वापस होम पे क्लिक करते हैं तो फिर से हम होम पेज पे चले जाते हैं। अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने आ जाता है, और अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने बटन का क्लिकमेंट तो कुछ बनाया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने व्यू बनाना सीखा है कि कैसे हम अपना पेज बनाएंगे, हम अपना जो UI है इंटरफेस हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे डिज़ाइनिंग करेंगे, तो अभी हमने वो सारी चीज़ें यहाँ पर बना रखी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये बड़ा ही मस्त सा बन गया अपना। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, पसंद आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।